देखिए, जो भी भारत नेपाल संबंध को बढ़ाने में लगे हुए हैं वो तो जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर आएगी ही, तो इसमें कोई दो राय तो नहीं है। संबंध बिगड़े हैं, वजह क्या है ये देखना होगा और सुधार लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इसमें काम करना पड़ेगा। आपने वजह की बात कही, लेकिन कई आलोचक ये कहते हैं कि भारत ने नेपाल के अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप की है, और जैसे कि जो एक पॉलिटिकली एक सेक्शन को सपोर्ट करके लार्जर सेक्शन को एंटेगनाइज किया है, ऐसा आलोचक का मानना अब है। जी देखिए, इसमें इसमें मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि भारत की नीति जो है वो पूरे समग्र नेपाल के लिए है, और भारत की नीति किसी एक समुदाय के लिए या किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। और हम चाहते हैं कि नेपाल में स्थिरता और स्थायित्व आए, और हमें लगता है कि इतना विविध देश है ये, और अलग-अलग समुदायों के अलग-अलग आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके अपने ख्वाब हैं, और सब ये समझते थे कि जो नया संविधान बन रहा है उसमें सबकी बात रखी जाएगी। तो यही हमारा एक मैसेज था, और ये हस्तक्षेप नहीं था, ये एक मित्राना हमारा रिक्वेस्ट थी, एडवाइस था। और इसीलिए ये एडवाइस था कि देखिए, सबको अगर आप समेटेंगे तो देश में शांति और स्थिरता आएगी, और अगर कुछ लोगों को लगेगा कि हम अलग थलग पड़ गए हैं तो फिर दिक्कत आएगी। ये फैक्ट भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि जो नेपाल के न्यूली प्रमुलगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, नए संविधान है, वो 85% पार्टीज के समर्थन के हिसाब से ये पारित हुआ है। सही बात है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके बावजूद इतनी दिक्कत आ रही है देश में। तो ये नंबर्स गेम केवल नहीं है, हमारा यही मानना था कि आप नंबर्स गेम पे मत जाइए, जो भावनाएं हैं लोगों की, समुदायों की, उनको आप समेटिए। अगर उनको आप नहीं समेटोगे तो नंबर से संविधान तो आ जाएगा पर प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। लेकिन वो नंबर तो चुनाव से ही आया है फिर। नहीं तो देखिए ना, तो ये तो आप बात सही कह रहे हैं, तो फिर समस्या इतनी गंभीर क्यों बन गई नेपाल में? ये जो नाकाबंदी के विषय में भारत ये कह रहा है कि ये नाकाबंदी नहीं है, नेपाल के पक्ष में जो कुछ सेक्शन विरोध कर रहे हैं उसके कारण नाकाबंदी हो रही है। लेकिन अगर आप देखें तो एक प्रमुख नाका बीरगंज रक्षोल, उसमें अवरोध दिखा जा रहा है, लेकिन और जो नाकाएं हैं उसमें कोई आंदोलन नहीं है या विरोध नहीं है। फिर भी वहां से जो नियमित तौर से आना चाहिए था वो ट्रक्स या जो सामान है, कार्गो है, वो नहीं आ रहा। दो तिहाई जो आपका ट्रेड है वो रक्सौल बीरगंज नाका से आता है, और आपका 100% जो थर्ड कंट्री ट्रेड है कलकत्ते से कंटेनर्स में, वो बीरगंज आता है। तो जब ये रक्सौल बीरगंज का नाका बंद होता है तो बाकी जगह से तो एक तिहाई ट्रेड आता है, रफली 30% या 35%, तो वही आज की अवस्था है, नंबर एक। दूसरा, रक्सौल नाका तो कई दिनों से बंद है, और नाकाओं पे कभी कभी खुल जाते हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी कोई ट्रक जल जाता है या समुदाय के बीच में झड़प हो जाती है तो तनाव आ जाता है। उस तनाव और असुरक्षा के कारण ट्रक संचालक जो हैं वो अपना कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा बीरगंज में कितने दिनों तक 200 भारतीय ट्रक्स खड़े थे, और उनके सारे परिचालक भी वहीं थे, वो धरना दे रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी। बट बेसिक प्रॉब्लम जो ये है कि दो तिहाई तो रक्सौल से आता है, और इसमें दो तिहाई से भी ज्यादा जो ईंधन और गैस वगैरह है वो उसी नाका से आता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक हो सके इसकी पूर्ति की जाए दूसरे नाकाओं से, पर इतना आसान ये काम नहीं है। और पिछले ये एपिसोड को ही लेकर कई भारतीय कमेंटेटर ने ये कहा है कि जो मोदी के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी था वो इस एपिसोड के बाद नेपाल में कंप्लीटली फेल हो गया है, क्या आप मानते हैं? देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, था नहीं, बिल्कुल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और वो इसलिए है क्योंकि भारत का विकास जो है उस गति से नहीं हो पाएगा अगर भारत के नेबरहुड में अस्थिरता अशांति होगी। तो मेन चीज तो आपको ये देखना है कि अस्थिरता अशांति क्यों है, क्या वो किसी अंदरूनी कारण से है नेपाल में, या आपकी समझ में भारत की वजह से अस्थिरता है। हमें लगता है कि ये कुछ अंदरूनी कारण हैं जिनकी वजह से अस्थिरता है, और वो कारण का जब समाधान हो जाएगा मुझे लगता है अस्थिरता समाप्त हो जाएगी, और मुझे लगता है कि भारत नेपाल संबंध बहुत प्रगाढ़ और आगे अच्छी तरह बढ़ेंगे। और अंत में मास्टर रे, भारत के कमेंटेटर ये भी कहते हैं कि पिछले एपिसोड के कारण
जो नेपाल भारत के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा जाता है वो चीन के हाथ में गया है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, अब ये प्रभाव क्षेत्र की बात तो मुझे लगता है पुरानी सोच हो गई है। अब दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, वो 10,000 मील दूर कोई चीज होती है उसका असर हर जगह पड़ता है, तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इंटरडिपेंडेंट दुनिया है और आज की तारीख में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से प्रभाव बढ़ता है। तो अगर आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखें तो भारत नेपाल संबंध तो बहुत प्रगाढ़ हैं, तो मैं तो इसमें निश्चिंत हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आज की तारीख में आपको लग रहा है बहुत दिक्कतें हैं, बट लॉन्ग रन ट्रेंड आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये अपवर्ड्स है और हमारा कोऑपरेशन और बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि इस जो घटनाक्रम के कारण भारत कुछ नहीं खो रहा है नेपाल में? नहीं, भारत ने परमानेंटली कुछ नहीं खो रहा है मुझे लगता है, बट जो भारत विरोधी भावना यहाँ भड़की है और जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो उससे नेचुरली असर तो पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा, ये जब इस एपिसोड समाप्त हो जाएगा, कि किस तरह का रिलेशनशिप भारत और नेपाल के बीच में होना चाहिए, नेपाल क्या चाहता है भारत से, भारत क्या चाहता है नेपाल से, इस पे हमें खुले दिमाग से, शीतल दिमाग से और गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।